सिरसा से खबर है, श्री बाबा तारा कुटिया में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सिरसा के एमएलए और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भंडारा शुरू किया। मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रसाद ग्रहण करने पहुंची श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल है श्री तारकेश्वर धाम, जहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और इसमें ये जो भीड़ थी, ये श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है भंडारे का सेवन करने के लिए। मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की ये जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी विशाल भंडारे का आयोजन श्री बाबा तारा कुटिया में ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सिरसा के एमएलए और एचएलपी सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा, जिन्होंने इस भंडारे का, इस भव्य भंडारे का आयोजन किया है। तमाम लोग जो हैं, तमाम श्रद्धालु जो हैं, भंडारे का सेवन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और सैकड़ों लोगों को इसमें प्रसाद दिया जाता है, भोजन कराया जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिरसा में इस भंडारे का आयोजन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा में एक बार फिर से विशाल भंडारे का ये आयोजन करवाया और हम देख सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सृष्टि के श्री तारकेश्वर धाम, श्री बाबा तारा कुटिया उत्तर भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ हर शिवरात्रि को जो है वो विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज भी एक बड़ा विशाल भंडारा लगाया गया, जिसका शुभारंभ सिरसा के विधायक हैं और श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हैं, उनके द्वारा किया गया। और जो कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा, उनके मुख्य संयोजन में यह आयोजन हमेशा ही होता है। और आज अटूट जो एक देखने की बात है कि श्रद्धा का सैलाब जो उमड़ा हुआ है कुटिया में, और यहाँ कई आयोजन हुए, साथ साथ पौधारोपण भी हुआ और जो तिरंगा वितरण अभियान भी शुरू किया गया, जो प्रधानमंत्री का आह्वान है हर घर तिरंगा, उसी को लेकर जो यह अभियान शुरू किया गया। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए, एक खबर, बड़ी खबर आ रही है उस पर भी...